फैक्ट्री में एक्चुअली हम लोग ने शूट किया था दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में, तो वहाँ के जो लोग थे जो फैक्ट्री में शूट करते थे दे आर ओनली इन द फिल्म. और एक 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 मैनेजर या किसी ही इज इवन इन द फिल्म, शरद ने उनको ही एक्टिंग करा दिया था और बोला था बहुत रियल कर रहा है ना वो, इधर से ही तो काम करता है. अनुष्का, अनुष्का जी, अनुष्का, इसी से जुड़ा मेरा सवाल है कि एक तो आपको इस फिल्म में पहचानना मुश्किल हो रहा है और ये बहुत अलग तरह का किरदार है जिसमें बहुत सारी एक्सरसाइज जुड़ी हुई है. क्या इस दौरान शूटिंग के दौरान किसी की कहानी या फिल्म में जब आपको नरेशन मिली तो कोई एक ऐसी बात जो आपके दिल में हमेशा के लिए बस गई जो आप शेयर करना चाहें? आई थिंक ये बात सबके दिल में होपफुली बसेगी जब लोग ये पिक्चर देखेंगे. जो न्यूएंसेस है इस फिल्म के अंदर, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब इट बिकॉज दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस फिल्म. ये फिल्म इट्स नॉट लाइक कि आपको कुछ प्लॉट पॉइंट्स ऐसे हैं, वो भी है, बट जो सटल लेयर्स हैं पिक्चर में, जो राइटिंग में है, जो डायरेक्शन में है, जो कैरेक्टराइजेशन में डाली गई है, वो चीज़ें इतनी स्पेशल है कि आप लोगों को एक बहुत ही भयंकर बहुत ही ज़्यादा डीप इंसाइट मिलेगा इनटू मेरी आदत है ना भयंकर, बहुत भयंकर भूख लग रही. सो बहुत ही डीप इंसाइट मिलेगा इनटू दीज कैरेक्टर्स, इनटू देयर स्ट्रगल, यू नो, इनटू देयर फेथ डिस्पाइट दैट स्ट्रगल, देयर रिलायंस ऑन वन अनदर, यू नो, relying on one another to get self-reliant, the respect that this couple has for each other, the love that they have for, the love they discover in each other through this process of struggle. And abhi bhi main jab bol rahi hu mereko goosebumps aa rahe hain ye, you know, ye bolke, but it's really like that's something that really stuck with me in the film. And I would be very honest, padhte hue bhi wo tha, but jab wo ho raha tha, jab hum us location mein the, jab hum usko enact kar rahe the, jab हम उस सिचुएशन को समझ रहे थे, उसमें जो फीलिंग आती है, जो दर्द आता है, बट एट द सेम टाइम यू नो इट्स नॉट दैट दुखी वाला दर्द, इट्स दैट अपलिफ्टिंग फीलिंग ऑफ कि यू नो कि मतलब इट्स गेटिंग बेटर, बट दैट एक वो फीलिंग होती है ना जब आपको पता है कि ये स्ट्रगल है बट साथ में ये भी पता है कि यार ये इंसान ऊपर जा रहा है, तो वो जो फीलिंग होती है वो बहुत बहुत स्पेशल फीलिंग है इस पिक्चर में, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट्स स्टक विद मी मोस्टली. अनुष्का जी, आपके ठीक सामने, हाय, जिस तरह से हमने ट्रेलर में देखा आप वरुण धवन की काफ़ी भयंकर हेल्प करती हैं, लाइक वो सिलाई मशीन में हमने देखा, एंड जब भी वो प्रॉब्लम में आते हैं काफ़ी आप उन्हें स्ट्रॉन्ग करती हैं, तो हम ऐसा माने कि हाउसवाइफ की क्वालिटी आपके अंदर आ चुकी है रियल लाइफ में? बहुत ही भयंकर सवाल है आपका. अब आपका जवाब. आई थिंक ये बहुत एक अच्छी चीज़ हुई थी इस फिल्म के दौरान, जो मैंने शरद को बोला भी था कि जितना मैं लाइफ में आज तक डोमेस्टिकेट नहीं हुई हूँ, बिकॉज मैं 15 साल की उम्र से मैं काम कर रही थी, एंड आई एम वर्किंग नाउ, आई हैव गॉटन मैरिड, आई एम कंटिन्यूइंग टू वर्क, बट जो डोमेस्टिक नेचर मुझे शरद ने दिया, जो फीलिंग मुझे शरद ने दी, जो एक शादी करके घर में होने की फीलिंग विद आफ्टर गेटिंग मैरिड, इट्स लाइक वी लाइक आई डोंट इवन गेट टू स्पेंड दैट मच टाइम विद, यू नो, विद माई हस्बैंड, बट द फैक्ट दैट इस फिल्म में to stay in that world, to stay in that domestic setup, to be in the kitchen, मुझे बहुत ही अच्छा एक घरेलू एटमोसफियर जीने को मिला. सो थैंक्स शरद. मैं इनफैक्ट शुरू होने के पहले मैंने यही कहा था कि यार आई डोंट नो हाउ टू प्ले मैरिड, तो मेरी शादी हुई और ये लोग मुझे लेके आए, लिटरली इट वाज लाइक दैट, इट वाज एक्चुअली वेरी सून आफ्टर अनुष्का गॉट मैरिड. तो इनफैक्ट मैंने इनसे भी कहा था कि मतलब मुझे तो पता ही नहीं है हाउ टू बिहेव लाइक अ मैरिड मैन, मतलब जो भी करना है, तो इन्होंने मतलब क्या बोला था. Men remain unresponsible, so it's okay. वरुण जी, आप बताइए, ये जो सुई धागा की जो वाइफ है कितनी भयंकर है आपके लिए, या कितनी जो वाइब है. एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, वी वो हम लोग जो लोगों के साथ काम कर रहे थे बहुत ही ड्रिविन थे, एंड आई हैव टू गिव क्रेडिट टू इवन अनिल मेहता जो DOP है फिल्म के, जो कैमरा मैन है फिल्म के, बदलापुर के बाद में उनके साथ काम कर रहा हूँ, तो he was also so invested in the film. Meenal, Darshan, hamare jo sare jo HODs the, they wo itne invest, acha sab hamare ADs jo hai sab piche, sab logo ne ye film jiya hai. I have to say it was not only us, because jahan hum log shooting kar rahe the we were very alien to that place, you know. To hum preparation bahut zyada thi, bahut zyada preparation kiya iske liye, aur mere liye to फिश आउट ऑफ वाटर का सिंड्रोम था थोड़ा सा, क्योंकि आई वॉज विथ सच
मतलब रघुवीर यादव के साथ मैं काम करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, अनुष्का के साथ काम करने के साथ मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था. एक्चुअली द फर्स्ट टाइम सॉरी बट व्हेन ही केम ऑन द रीडिंग का डे आई आस्क्ड शरद, आई वाज बिहेविंग लाइक अ फैन, आई वाज वेटिंग फॉर हिम टू कम लाइक व्हेन विल रघुवीर यादव कम एंड ऑल, कब आएंगे कब आएंगे. और वो क्या सुपर्ब आर्टिस्ट है, जब भी ब्रेक होता था वो गाने गाते थे, वो फ्लूट बजाते थे, तो हमारा मनोरंजन वैसे ही हो जाता था, बिकॉज ही इज एक्चुअली फ्रॉम स्ट्रॉ का फ्लूट बनाते थे वो, तो वो नहीं दिखा सकते हम लोग अभी आपको, बट ही वॉज जस्ट ही इज जस्ट सो सुप्रीमली टैलेंटेड कि एक माहौल बहुत अच्छा बन जाता था. और अनुष्का रिहर्सल कराई थी हम लोगों को पहले दिन पे, द फर्स्ट सीन यू डिडंट इवन हैव डायलॉग्स बट यू वर लाइक नहीं रिहर्सल करो रिहर्सल करो, बट इट वाज गुड, रिहर्सल करेंगे हम, रिहर्सल करेंगे. अनुष्का माय क्वेश्चन इज रिसेंटली BCCI ने ट्विटर पे एक फोटो डाली थी जिसकी वजह से आप को थोड़ा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था सोशल मीडिया पे, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पता है मैं क्या कर रही थी, जैसे आपने मुझसे सवाल पूछा मैंने आप सुन रही थी और मैं सबके रिएक्शन देख रही थी, सब लोगों की शक्ल में खुशी आ गई थी, सब लोग हां पूछा ओ माल. एक्चुअली मैं बस यही कहूंगा कि पिक्चर में मैंने मैं बस कहूंगा कि पिक्चर में मैंने कुत्ते का भी किरदार निभाया है, तो मैं काट भी सकता हूँ. See guys, I think ये जो बात हुई है इसके बारे में whoever had to make a clarification, the clarification has been made. This was a trolling activity. I don't react to trolls and give any attention to them. Whatever happened has happened within the guidelines. Whatever will happen will always happen within the guidelines. So let's not make a big hue and cry about literally this is a topic of absolutely no substance. And yeah. Varun, hi. You have been a consistent performer, like back to back. All your films have been hits. The only youngster who has given all the hits. So now you must be hoping for a 200 plus grosser. And what do you expect from Sui Dhaga? See, you know, मैं ये हमेशा कहता हूँ. जब तक एक्टर मैं और मैं कभी मैंने स्टेक नहीं लिया है फिल्म में, तो ये 200 करे या 300 करो पैसे तो मेरे पास आने नहीं वाले. ये अच्छा करे मैं वो चाहता हूँ, लोगों को पसंद आए मैं वो चाहता हूँ. और ऑब्वियसली जब भी आप एक फिल्म करते हो तो आपके दिल में ये चीज़ होती है कि यार फिल्म अच्छा करे ऑब्वियसली, बट पैसों का मतलब मुझे तो नहीं मिलने वाले हैं, तो इनको मिलेगा ये आदमी मिलेगा. बट आदि इज डैम नाइस, ही गिव्स लाइक बोनस फॉर ऑल द फिल्म डाय, तो शायद हो जाए तो मिल जाए. रोटी के लाले पड़ गए थे तो. वरुण एंड अनुष्का स्लाइटली टुवर्ड्स योर राइट, दिस इज सिमरन सिंह हियर फ्रॉम बुक माई शो. बहुत बहुत फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन फॉर द ट्रेलर, स्वीट भी है, इमोशनल भी है और टचिंग भी है. मेरा सवाल आपसे है, सिंस द टैगलाइन इज मेड इन इंडिया, तो कहीं ना कहीं ऐसे हुआ कि योर प्रेफरेंसेज रिगार्डिंग, मतलब जब आप शॉपिंग पे जाते हो तो अब आप देखते हैं कि जो हो सके इंडियन प्रोडक्ट्स हम ले, या डू यू रिकमेंड इंडियन प्रोडक्ट्स टू योर क्लोज ऑन समथिंग? यू टॉक फास्टर देन मी एंड वरुण ऑल्सो, है ना? सो योर टेक. Should I repeat myself? You know, honestly, I think ये फिल्में एक बहुत बड़ी चीज़ है जो ट्रेलर में भी दिखता है. जब वो बंदा मुझसे मैं उससे पूछता हूँ कि यार ये मेड इन चाइना क्यों लिखा है इस पर, हम लोग ने यहाँ बनाई तो इसे क्या मेड इन गाजियाबाद लिखूँ, तो कई लोगों के दिल में या कई लोगों के दिमाग में ये चलता है जब वो एक प्रोडक्ट देखते हैं और वो पढ़ते हैं मेड इन इंडिया, देन दे फील नहीं यार इधर से नहीं, मेड इन जर्मनी है या मेड इन चाइना है या मेड इन सम अदर कंट्री है, तो ये अच्छा होगा. क्यों भाई, हम लोग मोस्ट एंड आई वॉन्ट टू से मोस्ट इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स ऑल्सो, जो भी गारमेंट्स होते हैं वो बनते इंडिया में हैं. इफ़ यू सी द लेदर जैकेट्स, यू सी गारमेंट्स ऑफ लॉट ऑफ बिग इंटरनेशनल लेबल्स, सब दे आर ऑल मेड इन इंडिया. हमारे कारीगरों ने बनाया, हमारे वर्कफोर्स ने बनाए, हमारे लेबर ने बनाया. एंड द रीज़न वाई इंडिया इज सो गुड एट डूइंग दिस बिकॉज वी हैव स्किल्ड लेबर, वी जस्ट डोंट हैव लेबर, वी हैव स्किल्ड लेबर. जिस तरीके से वो लोग हैंडलूम में साड़ियाँ बनाते हैं चंदेरी की, आई हैव सीन इट बाई माई आईज, इट्स नथिंग लेस देन आर्ट, इट्स अमेजिंग. तो मैं हमेशा कहूँगा कि मेड इन इंडिया चीज़ें खरीदो, क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन होती है, बहुत ही अच्छी होती है. एंड आई थिंक ये चीज़ गांधी जी ने कही थी उस वक्त और अभी भी आज के टाइम में भी इट होल्ड्स दैट मेड इन इंडिया इज़ द बेस्ट. सी बिकॉज एंड आई मेंशन दिस अर्लियर ऑल्सो, माई डैड वॉज इन द आर्मी राइट, तो हम लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते थे विद इन इंडिया एंड माई मम ऑलवेज हैड दिस हैबिट ऑफ पिकिंग अप लाइक लोकल हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स की चीज़ें. And so I have been always exposed to that. So even when I go filming somewhere, अगर मैं suppose West Bengal में shooting कर रही हूँ तो मुझे कांथा pickup करना है वहाँ से, you know, अगर मैं कहीं और पर जा रही हूँ तो अगर मैं श्रीनगर जा रही हूँ तो मुझे चाहिए कि मुझे कुछ फिरन काशीदा embroidery मिल जाए तो मैं वहाँ से ले लूँगी. So exciting भी होता है, and I'm sure all girls will agree that you want to get those sarees and you want to get it from where it is
एंड ये मैंने हमेशा से किया है एंड इट्स समथिंग दैट आई कंटिन्यू डूइंग एंड एवरी वन मस्ट डू दैट लाइक यू नो वरुण हैज़ एक्सप्लेन एंड इट्स अ वेरी वेरी यूनिक यू नो आई गेस द हैंडलूम्स आर हैंडीक्राफ्ट्स दे आर वेरी यूनिक टू आर कंट्री और कहीं पर नहीं होता है ये जो होता है एंड अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल डिजाइनर्स एक्चुअली यूज दिस आर्ट इन देयर वर्क सो आई थिंक वी शुड टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन इट And I guess hopefully with this film, people will understand, you know, what all goes into it and how difficult and how hard it is to make those sarees. One chanderi saree sometimes takes 25 days to make a saree. Imagine 25 days that, yeah. Or usually, you know, wo log computer mein design dalte hai, fir aake wo sequence aata hai, but ye log haath se dalte hai. Sequence, wo pure handloom mein. Only the like design is computer generated. Nowadays. That too nowadays. Pehle to pura haath. Sab kuch number karke likha karte the pehle. नो बट आई विल से यू नो मेरा बहुत छोटा एक्सपीरियंस है मैंने एक शर्ट बनाई है मैंने एक ब्लाउज बनाई है एक पिलो केसिंग बनाई है ऑन अ सूइंग मशीन इट्स नॉट ईजी यार बहुत आई मीन ऑब्वियसली द टेलर्स हुआ हु बीन डूइंग इट फॉर मेनी ईयर्स वो लोग जल्दी जल्दी बना देते दे कैन मेक अ शर्ट इन प्रॉब्ली एन आवर वो लोग फटाफट बना देंगे परफेक्ट गुड शर्ट बट एक कला है उसमें यू नो आप जितना इनसीम रखते हो जब एक पैंट बना रहे हो आप जितना मार्जिन रखते हो और हमेशा आप इंडिया में देखोगे जब भी कपड़े बनते हैं वो हमेशा बहुत ज़्यादा मार्जिन के साथ बनाते हैं लोग बिकॉज पैसा नहीं है कि हमेशा जाके हम लोग कुछ खरीद ले तो दे कीप द मार्जिन सो दैट अगर किसी का वेट बढ़े तो वो फिर यूज करके दे कैन कीप यूजिंग इट लास्ट क्वेश्चन सीक्रेट ऑफ टेलरिंग सॉरी हाय मैम पहले हेलो तो बोलो यार मुझे आप सालों बाद मिले हो पिंक दुपट्टे में शी इज माई फेवरेट या मैम ऑनेस्टली पहली बार जब मैंने किया मुझे दो दिन लगे थे मेरे को एक सिटिंग में हुआ नहीं क्योंकि होगा ही नहीं ऑब्वियसली बिकॉज़ आई वाज लर्निंग मेरे साथ जो नूर भाई थे मेरे साइड थे और हमेशा कुछ पसंद नहीं ना है बेकार तो ऐसा रहे तो बोलो क्या करना है तो ही एंड मी वुड कीप उनका ही जो बैंटर है उनका ही जो बॉडी लैंग्वेज है वो मैंने फिल्म में भी डाला है बट इट टुक मी टू डेज क्योंकि एक सिटिंग में मेरा कॉन्सेंट्रेशन यू नो जब आप वो सुई को वो बारीकी से आप देख रहे हो कि वही लाइन पे आप चलाओ या और जब ट्विस्ट करना पड़ता है ना शोल्डर स्पेशली शोल्डर जब जोड़ना पड़ता है वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है यार तो ऑनेस्टली मेरे को दो दिन लगे बट फिर मैंने एक शर्ट बना दी थी 3 घंटे में उसके बाद सीख के लेट्स हैव फाइनल फोटो ऑफ एवरीवन अनुष्का हाय अनुष्का हाय वरुण दिस इलिका फ्रॉम पिंकविला हाय यू गाइस हाय यू गाइस रिवील द लोगो क्यों हाय बोल रहे हो उसके पीछे वाले वो भी बोल रहा है Okay, you guys revealed the logo last week, and it was quite interesting where you guys brought in a lot of artisans from all over India. Okay, Anushka, you want to take a moment? She's laughing only. Get over that guy. Like. So you Sorry. Got a lot of artists from all over India to, you know, reveal the logo. It was a very unique idea. Do we see the same during the promotions that you would want to collaborate with different actually local artisans from He's all here by the way all yes, the Yes I know you guys revealed it. So during the promotion also till the film releases are you going to collaborate with a lot of artisans local artisans and maybe promote their work also through this film Firstly credit goes to Vairav marketing for coming up with this idea and actually to pull it off on such a large scale the video was made so well so it's actually visually also very pleasing so yeah credits to you guys not only for that even for the way the set has been made so you can understand the belief that the studio has in this film you know going by that logo reveal video going by the way the set has been made so I'm actually very happy that everyone all of us the actors the team that's worked on the film the crew the marketing everyone has so much belief in this film they're going to gift you all free clothes no, I'm lying huh? which Varun must have stitched so you all can wait for 4 years yeah because I'll take 3 4 saal mein aayega aayega kapde let's have final photo op guys Varun Anushka connecting to the question promotion kis tarah ka plan kar rahe hain aap log promotion answer hi nahi kiya wo question join both your answers aap bhi pooch lo fir uske sath hi hai na kuch question because we've got to know that you guys have given almost 40 days for the film's promotion and like it is not likely ki film stars big stars like you give these free days for promotion so how is it going to be आई थिंक क्योंकि जैसे ये प्रमोशन की बात आती है 40 दिन देन टीमिंग अप विद लोकल आर्टिस्ट इट्स बिकॉज ये फिल्म का जो थीम है
एंड हमारे टाइटल में लिखा है मेड इन इंडिया. इट्स अ वेरी बिग थिंग जब आप देश का नाम जोड़ते हो एक फिल्म के साथ. तो ये मैं और अनुष्का बहुत सीरियसली लेते हैं. तो 40 दिन इसलिए लिया है क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें कर रहे हैं हम लोग, आर्ट के साथ, कला के साथ, इंस्टॉलेशंस के साथ. अभी मैं बोलूँगा तो फिर बाद में सरप्राइजेस नहीं होंगे. लॉट ऑफ द इंस्टॉलेशंस और लॉट ऑफ द थिंग्स दैट वी डू डू विल वी विल बी हेल्प बाय लोकल आर्टिस्ट. सो या वी आर गोइंग टू बी हेल्प बाय लोकल आर्टिस्ट, यंग एंड ओल्ड. हाँ जी सर, आप बोलो. आप सर, आई एम वेरी गुड, आप कैसे हो? By the way, Bhayankar is trending right now worldwide. Hashtag I'm taking Bhayankar credit for Bhayankar. Trending worldwide as we speak. भागा जहां आप करना भी नहीं चाह रहे थे. आपको आपको किस फिल्म से रिलाइज हुआ कि यू नो पीपल सबेट और उन छोड़ा और किस फिल्म से आपको रिलाइज हुआ कि लोग आपको यू आर अ फैंटास्टिक एक्टर यू ऑल नो लोगों को ये लगने में थोड़ी देर लग गई. मैंने ये कहा था कि जब मेरे पास डेट नहीं थी करने के लिए, बट जब मैंने ये फिल्म पढ़ी तो मैं मजबूर हो गया करने के लिए, बिकॉज इतनी बेहतरीन स्क्रिप्ट. मैं इतना दयालु नहीं हूं. सुनते क्यों नहीं हो यार? इतना लंबा आंसर दिया था. मेरे पास डेट नहीं थी ये फिल्म करने के लिए. जब मैं अंदर घुसा था, दोनों फिल्म नहीं करना चाहते. मैं हमेशा से सुई धागा करना चाहता था. मेरे पास डेट नहीं थी, बट जब मैंने पढ़ा मैं मजबूर हो गया इनकी लेखिका पढ़ के. क्या बेहतरीन खूबसूरत तरीके से इन्होंने ये लिखा था ये फिल्म. तो मजबूर हो गया फिल्म करने के लिए. और मैं इतना दयालु नहीं था कि मैं इतनी अच्छी स्क्रिप्ट किसी और एक्टर को दे दूं, तो मैंने छीन ली. ओके गाइस, लवली 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 क्वेश्चंस. आई थिंक वी विल हैव द फाइनल फोटो ऑप नाउ. वरुणियाक्स, आई लव यू ऑल, आई लव ऑल यू गाइस. जो वरुणियाक्स है, आई लव यू ऑल. और जो दूसरे एक्स, आई आल्सो लव वरुणियाक्स. आई वांट ऑल टू, आई एम अ ग्रेट लवर ऑफ वरुणियाक्स. इवन आई लव द अनुष्कियाक्स. It's Anushka Holics. Anushka Holics. We love you all and we love all other actors' fan clubs and we are just doing these films so we can convert you all. Yeah. Thank you everybody. Let's have the final photo op. Also, lunch is served at the Preview Theatre for your information. Thank you. Thank you guys. Thank you for coming. Thank you guys. Thank you, guys. And thank you for all keeping merry and happy. वरुण जस्ट द आईडिया. अरे पीछे आ गया, सेल्फी लो. मैडम जी नहीं दिख रहा. मैडम जी थोड़ा गया वरुण. एक मीडिया के साथ दादा हट जाओ यार. क्या कर रहे हैं? रहने दो यार. अरे यार उसका जी थोड़ा आगे. वरुण एक मीडिया के साथ सेल्फी. हां भैया बन गया. चलो आगे. कौन सा यहां पे? यहां पे कोई नहीं आगे जाएगा. नहीं आवाज करो. क्या कर रहे हो यार? फैक्ट्री में एक्चुअली हम लोग ने शूट किया था दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में. तो वहाँ के जो लोग थे जो फैक्ट्री में शूट करते थे, दे आर ओनली इन द फिल्म. और एक 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 मैनेजर या किसी, ही इज इवन इन द फिल्म. शरद ने उनको ही एक्टिंग करा दिया था और बोला था बहुत रियल कर रहा है ना, वो इधर से ही तो काम करता है.
अनुष्का, अनुष्का जी, अनुष्का, इसी से जुड़ा मेरा सवाल है कि एक तो आपको इस फिल्म में पहचानना मुश्किल हो रहा है और ये बहुत अलग तरह का किरदार है जिसमें बहुत सारी एक्सरसाइज जुड़ी हुई है, क्या इस दौरान शूटिंग के दौरान किसी की कहानी या फिल्म में जब आपको नरेशन मिली तो कोई एक ऐसी बात जो आपके दिल में हमेशा के लिए बस गई जो आप शेयर करना चाहें? आई थिंक ये बात सबके दिल में होपफुली बसेगी जब लोग ये पिक्चर देखेंगे. जो न्यूएंसेस है इस फिल्म के अंदर, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब इट बिकॉज दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस फिल्म. ये फिल्म, इट्स नॉट लाइक कि आपको कुछ प्लॉट पॉइंट्स ऐसे हैं, वो भी है, बट जो सटल लेयर्स हैं पिक्चर में, जो राइटिंग में है, जो डायरेक्शन में है, जो कैरेक्टराइजेशन में डाली गई है, वो चीज़ें इतनी स्पेशल है कि आप लोगों को एक बहुत ही भयंकर बहुत ही ज़्यादा डीप इंसाइट मिलेगा इनटू मेरी आदत है ना बहुत भयंकर भूख लग रही. सो बहुत ही डीप इंसाइट मिलेगा इनटू दीज कैरेक्टर्स, इनटू देयर स्ट्रगल, यू नो, इनटू देयर फेथ डिस्पाइट दैट स्ट्रगल, देयर रिलायंस ऑन वन अनदर, यू नो, relying on one another to get self-reliant, the respect that this couple has for each other, the love that they have for, the love they discover in each other through this process of struggle. And abhi bhi main jab bol rahi hu mereko goosebumps aa rahe hain ye, you know, ye bol ke, but it's really like that's something that really stuck with me in the film. And I would be very honest, padhte hue bhi wo tha, but jab wo ho raha tha, jab hum us location mein the, jab hum usko enact kar rahe the, jab हम उस सिचुएशन को समझ रहे थे, उसमें जो फीलिंग आती है, जो दर्द आता है, बट एट द सेम टाइम यू नो इट्स नॉट दैट दुखी वाला दर्द, इट्स दैट अपलिफ्टिंग फीलिंग ऑफ कि यू नो कि मतलब इट्स गेटिंग बेटर, बट दैट एक वो फीलिंग होती है ना जब आपको पता है कि ये स्ट्रगल है, बट साथ में ये भी पता है कि यार ये इंसान ऊपर जा रहा है, तो वो जो फीलिंग होती है वो बहुत बहुत स्पेशल फीलिंग है इस पिक्चर में, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट्स स्टक विद मी मोस्टली. अनुष्का जी, आपके ठीक सामने. हाय, जिस तरह से हमने ट्रेलर में देखा आप वरुण धवन की काफ़ी भयंकर हेल्प करती हैं, लाइक वो सिलाई मशीन में हमने देखा, एंड जब भी वो प्रॉब्लम में आते हैं काफ़ी आप उन्हें स्ट्रॉन्ग करती हैं, तो हम ऐसा माने कि हाउस वाइफ की क्वालिटी आपके अंदर आ चुकी है रियल लाइफ में? बहुत ही भयंकर सवाल है आपका. अब आपका जवाब. आई थिंक ये बहुत एक अच्छी चीज़ हुई थी इस फिल्म के दौरान, जो मैंने शरद को बोला भी था कि जितना मैं लाइफ में आज तक डोमेस्टिकेट नहीं हुई हूँ, बिकॉज मैं 15 साल की उम्र से मैं काम कर रही थी, एंड आई एम वर्किंग नाउ, आई हैव गॉटन मैरिड, आई एम कंटिन्यूइंग टू वर्क, बट जो डोमेस्टिक नेचर मुझे शरद ने दिया, जो फीलिंग मुझे शरद ने दी, जो एक शादी करके घर में होने की फीलिंग विद आफ्टर गेटिंग मैरिड, इट्स लाइक वी लाइक आई डोंट इवन गेट टू स्पेंड दैट मच टाइम विद, यू नो, विद माई हस्बैंड, बट द फैक्ट दैट इस फिल्म में to stay in that world, to stay in that domestic setup, to be in the kitchen, मुझे बहुत ही अच्छा एक घरेलू एटमोसफियर जीने को मिला. सो थैंक्स शरद. इनफैक्ट शुरू होने के पहले मैंने यही कहा था कि यार आई डोंट नो हाउ टू प्ले मैरिड, तो मेरी शादी हुई और ये लोग मुझे लेके आए, लिटरली इट वाज लाइक दैट, इट वाज एक्चुअली वेरी सून आफ्टर अनुष्का गॉट मैरिड. तो इनफैक्ट मैंने इनसे भी कहा था कि मतलब मुझे तो पता ही नहीं है हाउ टू बिहेव लाइक अ मैरिड मैन, मतलब जो भी करना है, तो इन्होंने मतलब क्या बोला था. वरुण जी, आप बताइए ये जो सुई धागा की जो वाइफ है कितनी भयंकर है आपके लिए, या कितनी जो वाइब है. एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, वी वर हम लोग जो लोगों के साथ काम कर रहे थे बहुत ही ड्रिविन थे, एंड आई हैव टू गिव क्रेडिट टू इवन अनिल मेहता जो DOP है फिल्म के, जो कैमरा मैन है फिल्म के, बदलापुर के बाद में उनके साथ काम कर रहा हूँ, तो he was also so invested in the film. Meenal, Darshan, hamare jo sare jo HODs the, they wo itne invest, acha sab hamare ADs jo hai sab piche, sab logo ne ye film jiya hai. I have to say it was not only us, because jahan hum log shooting kar rahe the, we were very alien to that place, you know. To hum preparation bahut zyada thi, bahut zyada preparation kiya iske liye, aur mere liye to फिश आउट ऑफ वाटर का सिंड्रोम था थोड़ा सा, क्योंकि आई वाज विद सच, मतलब रघुवीर यादव के साथ मैं काम करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, अनुष्का के साथ काम करने के साथ. एक्चुअली द फर्स्ट टाइम, सॉरी, बट व्हेन ही केम ऑन द रीडिंग का डे, आई आस्क शरद, आई वाज बिहेविंग लाइक अ फैन, आई वाज वेटिंग फॉर हिम टू कम, लाइक व्हेन विल रघुवीर यादव कम एंड ऑल, कब आएंगे. और वो क्या सुपर्ब आर्टिस्ट है, जब भी ब्रेक होता था वो गाने गाते थे, वो फ्लूट बजाते थे, तो हमारा मनोरंजन वैसे ही हो जाता था, बिकॉज ही इज एक्चुअली फ्रॉम स्ट्रॉ का फ्लूट बनाते थे वो,
तो वो नहीं दिखा सकते हम लोग अभी आपको, बट ही वॉज जस्ट ही इज जस्ट सो सुप्रीमली टैलेंटेड कि एक माहौल बहुत अच्छा बन जाता था. और अनुष्का रिहर्सल कराई थी हम लोगों को पहले दिन पे. द फर्स्ट सीन यू डिडन्ट इवन हैव डायलॉग्स बट यू वर लाइक नहीं रिहर्सल करो रिहर्सल करो. आई वाज बिकमिंग लाइक दैट. बट इट वाज गुड. करेंगे अनुष्का, माय क्वेश्चन इज रिसेंटली BCCI ने ट्विटर पे एक फोटो डाली थी जिसकी वजह से आप को थोड़ा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था सोशल मीडिया पे, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पता है मैं क्या कर रही थी, जैसे आपने मुझसे सवाल पूछा मैंने आप सुन रही थी और मैं सबके रिएक्शन देख रही थी. सब लोगों की शक्ल में खुशी आ गई थी. सब लोग हां पूछा ओ माल. एक्चुअली मैं बस यही कहूंगा कि पिक्चर में मैंने तू नहीं देखा डिड यू नोटिस. मैं बस कहूंगा कि पिक्चर में मैंने कुत्ते का भी किरदार निभाया है तो मैं काट भी सकता हूँ. See guys, I think the ये जो बात हुई है इसके बारे में whoever had to make a clarification, the clarification has been made. This was a trolling activity. I don't react to trolls and give any attention to them. Whatever happened has happened within the guidelines. Whatever will happen will always happen within the guidelines. So let's not make a big hue and cry about literally this is a topic of absolutely no substance. And yeah. Varun, hi. You have been a consistent performer, like back to back. All your films have been hits. The only youngster who has given all the hits. So now you must be hoping for a 200 plus grosser. And what do you expect from Sui Dhaga? See, you know, मैं ये हमेशा कहता हूँ. जब तक एक्टर मैं और मैं कभी मैंने स्टेक नहीं लिया है फिल्म में, तो ये 200 करे या 300 करो पैसे तो मेरे पास आने नहीं वाले. ये अच्छा करे मैं वो चाहता हूँ, लोगों को पसंद आए मैं वो चाहता हूँ. और ऑब्वियसली जब भी आप एक फिल्म करते हो तो आपके दिल में ये चीज़ होती है कि यार फिल्म अच्छा करे ऑब्वियसली. बट पैसों का मतलब मुझे तो नहीं मिलने वाले हैं, तो इनको मिलेगा ये आदमी मिलेगा. बट आदि इज डैम नाइस, ही गिव्स लाइक बोनस फॉर द फिल्म. तो शायद हो जाए तो मिल जाए. रोटी के लाले पड़ गए थे तो. वरुण एंड अनुष्का, स्लाइटली टुवर्ड्स योर राइट, दिस इज सिमरन सिंह हियर फ्रॉम बुक माई शो. बहुत बहुत फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन फॉर द ट्रेलर. स्वीट भी है, इमोशनल भी है और टचिंग भी है. मेरा सवाल आपसे है, सिंस द टैगलाइन इज मेड इन इंडिया, तो कहीं ना कहीं ऐसे हुआ कि योर प्रेफरेंसेज रिगार्डिंग, मतलब जब आप शॉपिंग पे जाते हो तो अब आप देखते हैं कि जो हो सके इंडियन प्रोडक्ट्स हम ले, या डू यू रिकमेंड इंडियन प्रोडक्ट्स टू योर क्लोज वन समथिंग. यू टॉक फास्टर देन मी एंड वरुण आल्सो, है ना? सो योर टेक. Should I repeat myself? You know, honestly, I think ये फिल्म में एक बहुत बड़ी चीज़ है जो ट्रेलर में भी दिखता है. जब वो बंदा मुझसे मैं उससे पूछता हूँ कि यार ये मेड इन चाइना क्यों लिखा है इस पर, हम लोग ने यहाँ बनाई तो इसे क्या मेड इन गाजियाबाद लिखूँ, तो कई लोगों के दिल में या कई लोगों के दिमाग में ये चलता है जब वो एक प्रोडक्ट देखते हैं और वो पढ़ते हैं मेड इन इंडिया, देन दे फील नहीं यार इधर से नहीं, मेड इन जर्मनी है या मेड इन चाइना है या मेड इन सम अदर कंट्री है तो ये अच्छा होगा. क्यों भाई, हम लोग मोस्ट एंड आई वॉन्ट टू से मोस्ट इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स ऑल्सो, जो भी गारमेंट्स होते हैं वो बनते इंडिया में हैं. इफ़ यू सी द लेदर जैकेट्स, यू सी गारमेंट्स ऑफ लॉट ऑफ बिग इंटरनेशनल लेबल्स, सब दे आर ऑल मेड इन इंडिया. हमारे कारीगरों ने बनाया, हमारे वर्कफोर्स ने बनाए, हमारे लेबर ने बनाया. एंड द रीज़न वाई इंडिया इज सो गुड एट डूइंग दिस बिकॉज वी हैव स्किल्ड लेबर. वी जस्ट डोंट हैव लेबर, वी हैव स्किल्ड लेबर. जिस तरीके से वो लोग हैंडलूम में साड़ियाँ बनाते हैं चंदेरी की, आई हैव सीन इट बाई माई आईज, इट्स नथिंग लेस देन आर्ट. इट्स अमेजिंग. तो मैं हमेशा कहूँगा कि मेड इन इंडिया चीज़ें खरीदो, क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन होती है, बहुत ही अच्छी होती है. एंड आई थिंक ये चीज़ गांधी जी ने कही थी उस वक्त और अभी भी आज के टाइम में भी इट होल्ड्स दैट मेड इन इंडिया इज़ द बेस्ट. सी बिकॉज एंड आई मेंशन दिस अर्लियर ऑल्सो, माई डैड वॉज इन द आर्मी राइट, तो हम लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते थे विद इन इंडिया. एंड माई मम ऑलवेज हैड दिस हैबिट ऑफ पिकिंग अप लाइक लोकल हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स के चीज़ें. And so I have been always exposed to that. So even when I go filming somewhere, अगर मैं suppose West Bengal में shooting कर रही हूँ तो मुझे कांथा pick up करना है वहाँ से, you know, अगर मैं कहीं और पर जा रही हूँ तो अगर मैं श्रीनगर जा रही हूँ तो मुझे चाहिए कि मुझे कोई फिरन काशीदा embroidery मिल जाए तो मैं वहाँ से ले लूँगी. So exciting भी होता है. I'm sure all girls will agree that you want to get those sarees and you want to get it from where it is. And ये मैंने हमेशा से किया है एंड इट्स समथिंग दैट आई कंटिन्यू डूइंग एंड एवरी वन must do that, like, you know, Varun has explained, and it's a very, very unique, you know, I guess the handlooms, our handicrafts, they're very unique to our country. Aur kahin pe nahi hota hai ye jo hota hai. And a lot of international designers actually use this art.
in their work. So I think we should take a lot of pride in it. And I guess hopefully with this film, people will understand, you know, what all goes into it and how difficult and how hard it is to make those sarees. One chanderi saree sometimes takes 25 days to make a saree. Imagine 25 days. That yeah. और कम usually you know वो लोग computer में design डालते हैं फिर आके वो sequence आता है but ये लोग हाथ से डालते हैं sequence वो पूरे handloom में. Only the design is computer generated nowadays. That too nowadays. पहले तो पूरा सब कुछ number करके लिखा करते थे पहले. No but I'll say you know मेरा बहुत छोटा experience है. मैंने एक shirt बनाई है, मैंने एक blouse बनाई है, एक pillow case बनाई है on a sewing machine. It's not easy यार. बहुत I mean, obviously the tailors who've been doing it for many years, वो लोग जल्दी जल्दी बना देते, they can make a shirt in probably an hour. वो लोग फटाफट बना देंगे, perfect, good shirt. But एक कला है उसमें, you know. आप जितना inseam रखते हो, जब एक pant बना रहे हो, आप जितना margin रखते हो, और हमेशा आप इंडिया में देखोगे, जब भी कपड़े बनते हैं, वो हमेशा बहुत ज़्यादा margin के साथ बनाते हैं लोग, because पैसा नहीं है कि हमेशा जाके हम लोग कुछ खरीद ले. तो they keep the margin so that अगर किसी का weight बढ़े, तो वो फिर use करके, they can keep. They can keep using it. Last question. Secret of tailoring. Sorry. Hi, ma'am. पहले hello तो बोलो यार मुझे आप इतने सालों बाद मिले हो pink dupatta में. She's my favorite. Yeah, ma'am. बोलो ना. सुनो ना. बोलो ना. Honestly, पहली बार जब मैंने किया मुझे दो दिन लगे थे. मेरे को एक sitting में हुआ नहीं क्योंकि होगा ही नहीं ऑब्वियसली बिकॉज़ आई वाज लर्निंग मेरे साथ जो नूर भाई थे मेरे साइड थे और हमेशा कुछ पसंद नहीं ना है बेकार तो ऐसा रहे तो बोलो क्या करना है तो ही एंड मी वुड कीप उनका ही जो बैंटर है उनका ही जो बॉडी लैंग्वेज है वो मैंने फिल्म में भी डाला है बट इट टुक मी टू डेज क्योंकि एक सिटिंग में मेरा कॉन्सेंट्रेशन यू नो जब आप वो सुई को वो बारीकी से आप देख रहे हो कि वही लाइन पर आप चलाओ या और जब ट्विस्ट करना पड़ता है ना शोल्डर स्पेशली शोल्डर जब जोड़ना पड़ता है वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है यार तो Honestly, मेरे को दो दिन लगे पर फिर मैंने एक शर्ट बना दी थी तीन घंटे में उसके बाद सीख के लेट्स हैव फाइनल फोटो ऑफ एवरीवन वरुण अनुष्का हाय अनुष्का हाय वरुण दिस इलिका फ्रॉम पिंकविला हाय यू गाइस हियर हाय यू गाइस रिवील द लोगो क्यों हाय बोल रहे हो उसके पीछे वाले वो भी बोल रहा है ओके यू गाइस रिवील द लोगो लास्ट वीक एंड इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग वेयर यू गाइस ब्रॉट इन लॉट ऑफ आर्टिजंस फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया Okay, Anushka, you want to take a moment? Laughing only. Get over that guy, like. So you got a lot of artists from all over India to, you know, reveal the logo. It was a very unique idea. Do we see the same during the promotions that you would want to collaborate with different, actually local artisans from? He's all here, by the way. Yes, I know. You guys reveal it. So during the promotion, also till the film releases. Are you going to collaborate with a lot of artisans, local artisans, and maybe promote their work also through this film? Firstly, credit goes to Vairav Marketing for coming up with this idea and actually to pull it off on such a large scale. The video was made so well, so it's actually visually also very pleasing. So yeah, credits to you guys, not only for that, even for the way the set has been made. So you can understand the belief that the studio has in this film, you know, going by that logo reveal video, going by the way the set has been made. So I'm actually very happy that everyone, all of us, the actors, the team that's worked on the film, the crew, the marketing, everyone has so much belief in this film. They're going to gift you all free clothes. And I'm lying. Huh? Which Varun must have stitched so you all can wait for 4 years. Yeah, because I'll take 3 years. Mein aega. Aega. Kapde. Let's have a final photo op, guys. Varun, Anushka, connecting to the question, promotion kis sir ka plan kar rahe hain aap log? Promotion? Answer hi nahi kiya wo question. Join both your answers. Aap bhi pooch lo fir. Uske saath hi hai na kuch question. Because we've got to know that you guys have given almost 40 days for the film's promotion and like it is not likely ki film stars, big stars like you give these free days for promotion. So how is it gonna be? I think क्योंकि जैसे ये promotion की बात आती है 40 दिन then teaming up with local artists it's because ये film का जो theme है and हमारे title में लिखा है made in India it's a very big thing जब आप देश का नाम जोड़ते हो एक film के साथ तो ये मैं और अनुष्का बहुत seriously लेते हैं तो 40 दिन इसलिए लिया है क्योंकि बहुत ही interesting चीज़ें कर रहे हैं हम लोग art के साथ कला के साथ installations के साथ अभी मैं बोलूँगा तो फिर बाद में surprises नहीं होंगे lot of the installations or lot of the things that we do we will be helped by local artists so yeah we are going to be helped by local artists young and old haan ji sir aap bolo aap sir I am very good aap kaise ho
By the way, Bhayankar is trending right now worldwide. I'm taking credit for Bhayankar. Trending worldwide as we speak. भागा जहां आप करना भी नहीं चाह रहे थे आपको आपको किस फिल्म से रिलाइज हुआ कि यू नो पीपल सब इट वरुण छोड़ा वरुण किस फिल्म से आपको रिलाइज हुआ कि लोग आपको यू आर अ फैंटास्टिक एक्टर यू ऑल नो किस फिल्म से आपको लगा यू नो बदलापुर से अक्टूबर से कि यार लोग आपको बहुत सीरियसली एज एन एक्टर लेने लगे सर मैं तो फिल्म में मैं तो दुनिया में उतरते ही मुझे लगा कि मैं तो बहुत फैंटास्टिक हूं लोगों को ये लगने में थोड़ी देर लग गई मैंने ये कहा था कि जब मेरे पास डेट नहीं थी करने के लिए बट जब मैंने ये फिल्म पढ़ी तो मैं मजबूर हो गया करने के लिए बिकॉज इतनी बेहतरीन स्क्रिप्ट मैं इतना दयालु नहीं हूं क्यों नहीं हो यार इतना लंबा आंसर दिया था मेरे पास डेट नहीं थी ये फिल्म करने के लिए जब मैं अंदर घुसा था दोनों फिल्म नहीं करना चाहता मैं हमेशा से सुई धागा करना चाहता था मेरे पास डेट नहीं थी पर जब मैंने पढ़ा मैं मजबूर हो गया इनकी लेखिका पढ़ के क्या बेहतरीन खूबसूरत तरीके से इन्होंने ये लिखा था ये फिल्म तो मजबूर हो गए फिल्म करने के लिए और मैं इतना दयालु नहीं था कि मैं इतनी अच्छी स्क्रिप्ट किसी और एक्टर को दे दूं तो मैंने छीन ली ओके गाइस लवली 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 क्वेश्चंस आई थिंक वी लव द फाइनल फोटो ऑप नाउ वरुणियाक्स आई लव यू ऑल आई लव ऑल यू गाइस जो वरुणियाक्स है आई लव यू ऑल और जो दूसरे एक्ट्स आई आल्सो लव वरुणियाक्स आई वांट ऑल टू I'm a great lover of Varuni acts. Even I love the Anushki acts. It's Anushka Olics. Anushka Olics. We love you all and we love all other actors' fan clubs and we are just doing these films so we can convert you all. Yeah. Thank you everybody. Let's have the final photo op. Also, lunch is served at the Preview Theatre for your information. Thank you. Thank you guys. Thank you for coming. Thank you, Sweet thank you guys. And thank you for all keeping merry and happy. क्या कर रहे हो